रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। ज्ञानवापी वकालत को बंद करने की धमकी, पैरोकार बोले हम या एक भी एडवोकेट दुर्घटना का शिकार हुए तो कुलश्रेष्ठ और सरकार जिम्मेदार होगी। हिंदू नेता की बर्थडे पार्टी में हथियार लहराने पर एफआईआर, किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। मेरठ में व्यापारी हत्याकांड का आरोपी सलमान मुठभेड़ में अरेस्ट, 23 अगस्त को चाकू से गर्दन काटकर व्यापारी के सीने में मारी थी गोली। अलीगढ़ में बीच बाजार छात्रा पर पेट्रोल छिड़का, आग लगाने का प्रयास, एक तरफा प्यार में 5 घंटे पहले हुई थी बहस। आगरा में एफसीआई गोदाम में रखे अनाज में लगा कीड़ा, 12 कॉलोनी के 50,000 लोग परेशान, घरों में हर जगह रेंग रहे कीड़े। गंगा यमुना का जलस्तर घटना शुरू, 8 घंटे में गंगा 2 सेंटीमीटर, यमुना 6 सेंटीमीटर घटी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब बीमारियों का खतरा। इटावा में सैकड़ों लोग ठगी का शिकार हुए, 50,000 का लोन देने के नाम पर खुलवाए खाते, पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में बैंक मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटे का मर्डर, बेड के बॉक्स में दोनों के शव छिपाए, मकान में ताला लगाकर स्कूटी साथ ले गए हत्यारे। अयोध्या में शिक्षकों पर लटकी तलवार, नौकरी जाने के डर से जी रहे 27 जनपदों में तैनात 1715 शिक्षक। बिजनौर में बदमाश की पत्नी बेच रही थी चरस, मायके से 2 किलो नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार। गाजियाबाद में पिटबुल ने नोचा बच्ची का कान, झूला झूलने के बनाया निशाना, परिजनों ने पड़ोसी के खिलाफ दी तहरीर। बांदा में विद्यालय में बच्चों ने लगाया झाड़ू, सफाई कर्मी की ड्यूटी महोखर में लग गई, जिसने नहीं हो रही साफ सफाई। आगरा में देशभक्ति के नाम पर हिंदूवादी नेता की दबंग गई, गंदा झंडा लगाए ऑटो चालक को पीटा, जमकर दी गालियां। रायबरेली में बारिश से गिरा छप्पर, 7 साल के बच्चे की मौत, के बाहर छप्पर के नीचे बैठे थे भाई बहन, बहन गंभीर रूप से घायल। गोंडा में देह व्यापार मामले पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने गेस्ट हाउस पर की थी छापेमारी। अवैध ढाबों पर चला बीडीए का बुलडोजर, लखनऊ दिल्ली हाईवे बड़ा बाईपास पर ग्रीन बेल्ट में बने कई अवैध ढाबे। गोंडा में लापता महिला शाहबाद में मिली, 40,000 में बेच जबरन शादी कराई, अनबन के बाद घर से भागी थी। गोंडा में बिना काम कराए लाखों रुपए का कराया भुगतान, डीसी मनरेगा को जांच की आदेश, रिपोर्ट मिलने के बाद होगी कार्रवाई। देवरिया में चाकूबाजी में मौत, मामले में 5 गिरफ्तार, न्यायालय ने आरोपियों को भेजा जेल। जालौन में 4 दिन बाद निकाला गया खलासी का शव, पानी में ट्रक पलटने से दबकर हुई थी मौत।
कन्नौज में जेल भेजा गया चौकी इंचार्ज, नशे में धुत होकर की थी महिला से छेड़छाड़। आगरा में लड्डू गोपाल की ताजमहल में नो एंट्री, गार्ड ने गेट से ही लौटाया, कहा इन्हें कहीं और रखकर तभी मिलेगा प्रवेश। एटा स्वास्थ्य विभाग ने की झोला छाप, डॉक्टरों पर कार्रवाई, एक क्लिनिक को किया सील, डिप्टी सीएमओ ने की कार्रवाई। एमपी ने कचहरी परिसर की सुरक्षा का लिया जायजा, संदिग्धों की ली गई तलाशी, कचहरी में घूम रहे लोगों का कराया वेरिफिकेशन। ललितपुर में संगठन से जुड़े लोगों को गाली देना, युवक को पड़ा भारी, बजरंग दल के कार्यकर्ता की शिकायत पर मुकदमा, आरोपी गिरफ्तार। अट्ठासी घंटों को पार कर शहर में पहुंची गंगा, काशी के हजारों मंदिर जलमग्न, 28,000 लोग हुए शिफ्ट, प्रयागराज में स्थिर हुई गंगा। सड़क हादसे में दो की मौत, हमीरपुर में ट्रक ने युवक को मारी टक्कर, भागने के दौरान राहगीर को रौंदा, नेशनल हाईवे जाम। सड़क हादसे में फूफा भतीजे की मौत, बिजनौर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, रिश्तेदारी से लौट रहे थे घर, चालक फरार। सीतापुर में रिटायर्ड पुलिसकर्मी से होमगार्ड ने की अभद्रता, डाकघर में आधार कार्ड सही कराने के दौरान गाली गलौज और मारपीट, निलंबित। ललितपुर में एम्बुलेंस से हो रही माल ढुलाई, सांसद उमा भारती ने सांसद निधि से दी थी चालित चिकित्सालय एम्बुलेंस। अलीगढ़ में वन रक्षक ही बन रहे वनों के भक्षक, शिकायतकर्ता ने वन रक्षक पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। औरैया में दबंगों की दबंगई आई सामने, युवक को हाथ पैर बांधकर जमकर की मारपिटाई, घटना की जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फायर कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने चरस के साथ किया गिरफ्तार। चंदौली में पुलिस के छापेमारी में 23 नाबालिग बच्चे और 16 बंधुआ मजदूर बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। गाजीपुर में बढ़ती गंगा से तटवर्ती सहमे, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद, एसपी गाजीपुर ने नाव से किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। गाजियाबाद में बेखौफ चोरों ने लाखों के सामान पर किया हादसा, बेखौफ चोरों ने 4 घरों को बनाया निशाना। गोंडा में नवजात बच्चा स्वास्थ्य महकमे में बचा बना जानवर का निवाला, स्वास्थ्य महकमे में पत्रकार पर ही किया गया मुकदमा दर्ज। सीबीआई जांच पूरी होने के बाद मनीष सिसोदिया बोले, पीएम की जांच में क्लीन चिट, सीबीआई को लॉकर में कुछ नहीं मिला। हरदोई की कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 13 छात्राएं हुई बीमार, छात्राएं उल्टी और बुखार की समस्या से पीड़ित थीं। कुशीनगर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर क्रीड़ा भारती बॉक्सिंग क्लब में मुक्केबाजी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, 60 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कुशीनगर में 1.5 वर्ष की मासूम के साथ चाचा ने किया रेप, घटना के बाद हैवान चाचा हुआ फरार।
लखनऊ में अखिलेश यादव की पुस्तक का हुआ विमोचन, कमल किशोर कठोरिया द्वारा लिखी पुस्तक भागीदारी का संघर्ष। लखीमपुर खीरी में एक ही घर में तीन मौतों से गांव में फैली सनसनी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की, सीएम ने कहा ईपीसी मोड पर सुधार करने की आवश्यकता है। संबल में दबंगों की लाइव गुंडई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गुंडई की तस्वीरें, ब्लड बैंक में चले लात घुसे कैमरे में कैद हुई घटना। लखनऊ के पूर्वी जोन पुलिस की लापरवाही, युवक की जान पर भारी, पीजीआई इलाके में एक युवक को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश। संबल में अवैध प्रेम प्रसंग में महिला की हत्या, प्रेमिका ने हत्या के बाद प्रेमी ने किया सुसाइड का प्रयास, पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को किया गिरफ्तार। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में यूपी हुआ दंगा मुक्त, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में आई कमी। एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी के दंगा मुक्त होने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया, कहा यूपी की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। हरदोई में गैंगस्टर एक्ट के शातिर अपराधी की संपत्ति कुर्क, आरोपी पर जान से मारने के प्रयास, अवैध असलाह के मामले में तीन मामले हैं दर्ज। बिजनौर में जमात उल उलमा हिंद का कार्यालय खोले जाने पर काशीराम कॉलोनी वासियों ने किया विरोध, विरोध करने वाले लोगों पर हुआ हमला। अमेठी के जामो पुलिस ने 15,000 के इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार, 6 दिन पूर्व अभियुक्त ने युवती के साथ किया था दुष्कर्म। इकतीस अगस्त को बलरामपुर के दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, अटल भवन में पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बरेली के एसएसपी ऑफिस में महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, एसएसपी ऑफिस में दरोगा की जूते से पिटाई, दरोगा पर लगाया शोषण का आरोप। बुलंदशहर के पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि के भतीजे की गुंडई आई सामने, सरेआम अवैध हथियार से की फायरिंग, कई राउंड फायरिंग। फरुखाबाद में हल्की बारिश से भरभरा कर धराशाही हुआ नीम का पेड़, पेड़ कीच पेट की मकान में हुआ नुकसान। गाजियाबाद में माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस का शिकंजा, मुख्तार की 4 करोड़ की बेनामी संपत्ति हुई कुर्क। बुलंदशहर में पुलिस ने लुटेरे गैंग का किया खुलासा, पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लुटेरे को किया गिरफ्तार। गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने शुरू की कावड़ यात्रा, 35 किलोमीटर पैदल यात्रा कर महादेव का करेंगे जलाभिषेक। कन्नौज अवैध शराब बनाने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 40 लीटर अवैध कच्ची शराब अभियुक्तों के पास हुई बरामद। गोंडा में नहीं थम रहा स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का आलम, रात होते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लग जाते हैं ताले। कन्नौज में अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ की दर्दनाक मौत, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर के श्री लगन साड़ी में
पड़ा आयकर का छापा। जांच में जुटे आयकर के अधिकारी एक साथ कई ठिकानों पर शुरू की छापेमारी। भूपेंद्र चौधरी ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। कानपुर पथराव का वीडियो हो रहा वायरल। दबंगों द्वारा घर पर जमकर किया गया पथराव। संयुक्त टीम आयुक्त ने दिए मुकदमे दर्ज करने के आदेश। नोएडा के बाद लखनऊ में भी दबंग महिला का वीडियो वायरल। पेट्रोल पंप पर दबंग महिला की गुंडई का वीडियो आया सामने। श्रावस्ती में राशन वितरण के दौरान कोटेदार की दबंगई आई सामने। ई पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाकर उपभोक्ता से कोटेदार ने छीना राशन। लखनऊ की बीकेटी थाना अंतर्गत हुआ दर्दनाक हादसा। ओवरलोडेड डंपर ने स्कूल जा रही छात्रा को मारी टक्कर। हादसे में छात्रा की हुई मौत। हमीरपुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, साथ ही राहत सामग्री का किया वितरण। श्रावस्ती जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की फिर खुली पोल। जरूरतमंद को फोन करने पर नहीं मिली एम्बुलेंस। ठेलिया पर महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। सोनभद्र में मिशन शक्ति अभियान हुआ आयोजन। पुलिस ने महिला सुरक्षा संबंधित अधिकारियों के प्रति किया गया जागरूक। सिद्धार्थनगर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान जनपदीय पुलिस ने 36 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सुसाइड के खिलाफ आवाज उठाने पर स्कूल से उठवाया। केंद्रीय विद्यालय में 12वीं के छात्र का नाम काटने की धमकी देकर किया पुलिस के हवाले। चित्रकूट में ब्राह्मण सभा के लोगों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना। प्रधान द्वारा लगाए गए SC ST मुकदमे किए जाएं वापस, जल्द गिरफ्तारी। हापुड़ में पुलिस ने नशेड़ियों के खिलाफ चलाया अभियान। 41 शराबियों को पकड़ा। कार्रवाई के बाद किया परिजनों के सुपुर्द। फिलहाल 75 जिले की 75 खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।